इस वक्त रोकना चाहूंगा आप सुदेश वर्मा जी, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, 3 तारीख या फिर 5 तारीख पीएमओ की तरफ से इसका फैसला किया जाना था, यह बड़ी खबर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे, तारीख पक्की हो चुकी है, यानी कि 5 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट बने हुए हैं, विक्रमादित्य जी और विनोद बंसल साहब। देखिए, अब तारीख भी तय हो गई, 5 तारीख प्रधानमंत्री 5 तारीख को आ रहे हैं। बजा पहले तो भाई आपको बधाई, आपके पहली खबर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को, आपके सभी दर्शकों को, कि ये शुभ घड़ी अब आ गई है और अब मुझे लगता है कि 5 अगस्त को भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा और सभी संपूर्ण देश उसके साथ एकजुट होगा। अब देखिए, अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी वो पर्सनली आते हैं, वर्चुअल आते हैं, मुझे लगता है पर्सनली आएंगे। वैसे जैसे उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि भाई आकर के मैं स्वयं वहां पे जो है वो अपने भूमि पूजन करूंगा। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसा भी हो, जो व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था में ही पूरे संपूर्ण देश को एकाकार होकर के प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए हमें सबको अपने अपने हिसाब से प्रयासरत होना है। देखिए, ये मंदिर बनाना अकेले ट्रस्ट का बस का रोग नहीं है, अकेला कोई प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। लेकिन मैं एक बात बड़ी गंभीरता पूर्वक कहता हूँ आपको कि 2013 की बात है, जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के कहीं रेस में भी नहीं थे, उस समय मैं एक बार माननीय अशोक सिंघल जी के साथ बैठा था, उन्होंने ये बात कही थी कि विनोद मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर राम मंदिर के मामले को या देश की प्रगति के लिए अगर कोई आगे आ सकता है। देखिए, हम दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें कि ये सुबह 8 बजे से शुरू होगा भूमि पूजन कार्यक्रम। विनोद जी, जरा दर्शकों को पूरी डिटेल दे दें, हिंदुस्तान पर उनको पूरी डिटेल मिलेगी क्योंकि सुबह 10 बजे से हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तारीख का ऐलान हो चुका है, सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक का कार्यक्रम है। हालांकि पूजा की शुरुआत हो जाएगी सुबह 8 बजे से ही, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 1:15 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा 5 अगस्त को। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये सुबह 8 बजे से भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा, फिर 1:15 बजे तक चलेगा, क्या होता है इसमें जरा संक्षेप में बताइए। देखिए, भूमि पूजन के अंदर पूरी तरह सबसे पहले कि जहां क्षेत्र निकाला जाता है वास्तु चक्र के अनुसार से, उस क्षेत्र में सबसे पहले जाकर भूमि पूजन किया जाता है। गणेश अंबिका, वरुण कलश इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन करने के साथ साथ वास्तु को स्थिर करने के लिए वहां वास्तु पूजा की जाती है। वास्तु पूजा करने के उपरांत फिर वहां पर चांदी की कटोरी के अंदर दूध इत्यादि सहित नाग नागिन इत्यादि पंचरत्न इत्यादि बहुत कुछ सामग्री इत्यादि लेकर वहां पूर्ण पूजन की व्यवस्था कर वास्तु को स्थिर करने के लिए समस्त देवताओं का आवाहन इत्यादि कर सब देवताओं के प्रसन्नता के लिए प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए पूरी तरह से पूजन इत्यादि भूमि पूजन जिसको कहा जाता है भूमि पूजन किया जाएगा। और उस दिन से सबसे प्रथम शिला रखकर उस गर्भगृह में विशेष तौर पर मंदिर का निर्माण कार्य उसके बाद आरंभ किया जाता है। हमारे यहाँ से किसी भी चीज को करने के लिए गणेश अंबिका गणेश का पूजन सबसे पहले कहा जाता है कि निर्विघ्न रूप आरंभ करने के लिए कोई भी विघ्न समस्त विघ्न हरता गणेश का पूजन सबसे पहले करने की व्यवस्था प्रभु ने बनाई और उसी व्यवस्था का पालन भारतीय संस्कृति अनादिकाल से करती आई है और उसी की व्यवस्था अब भी की जा रही है। मोदी जी समान पूरी इच्छा भी है और साथ साथ हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक का है, लेकिन पूजा की शुरुआत हो जाएगी सुबह 8 बजे से ही। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनोद, जरा डिटेल में बताइए, जो हमारे पास खबर है 8 बजे पूजन शुरू हो जाएगी, प्रधानमंत्री 11 बजे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कल जो एक इन्विटेशन प्रॉपर भेजा गया था ट्रस्टी की बैठक के बाद, जो ट्रस्ट की बैठक हुई थी कल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, उसके बाद कहा गया कि 2 तारीखें भेजी गई हैं, एक 3 अगस्त एक 8 अगस्त। इन पीएमओ अपने शेड्यूल के हिसाब से इसमें तय करके बताएगा कि किस तारीख को पीएम आएंगे। अब जो तस्वीर साफ हुई है उसमें कहा जा रहा है कि पीएम
पांच अगस्त को ही आ रहे हैं, क्योंकि 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है। अब 5 अगस्त की जो मुहूर्त है वो भी बहुत शुभ है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 5 अगस्त की वो सुबह दोपहर करीब 1 बजे जो है ये सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, लेकिन पीएम का जो शेड्यूल होगा वो करीब 11 बजे होगा, पीएम 11 बजे पहुंच जाएंगे। दरअसल कोरोना का महाकाल विनोद सर ये बताइए कि प्रधानमंत्री के साथ अन्य कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जो खबर है हमारे पास उसके मुताबिक केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। हाँ। उत्तर प्रदेश से राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहेंगे, कुछ और वीआईपी जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनको ही वहाँ पे मौजूद रहने के लिए कहा गया है, बाकी वीवीआईपी को वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि पीएमओ के तरफ से निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, इस लिहाज से ये तय किया गया कि बहुत कम लोगों की मौजूदगी में ही इस कार्यक्रम को किया जाएगा, कोई भव्य कार्यक्रम वहाँ पर नहीं होने जा रहा है, जिसमें से पहले उम्मीद थी कि जब भी राम मंदिर निर्माण के लिए पूजन होगा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इस बार भव्यता को कम किया जाएगा, भूमि पूजन में कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए विनोद।